السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والذنوب منهم وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول الحق وإن كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم وأن أُكثِرَ من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنّهُنّ من كنزٍ تحت العرش حضرات يحدي الشريف مسند أحمد وصحيح ابن حبان من روايات اور ومحققين इसकी सनद को सही करार दिया है अल्लामा अल्बानी, अल्लामा अहमद मोहम्मद शाकिर मिस्री और अल्लामा शुआब अरनाबूत तीनों ने इसकी तस्खी फरमाई है इसमें आप वसल्लम ने हज़रत अबू जरफ़ारी रज़ी अल्लाह त सात बातों की वसीयत फरमाई है और जाहिर है ये नबवी वसीयत हम सब के लिए बेहद नफा बख्श बल्कि दीन और दुनिया के एतबार से जरूरी है फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मिसकिनों से मोहब्बत करने और उनसे करीब रहने का हुक्म दिया शायद ये इसलिए है कि अक्सर लोग मालदारों के क़रीब रहते हैं क्योंकि वो मालदार हैं वजाहत वाले हैं दुनिया में उनका सिक्का चलता है इसलिए लोग उनके क़रीब होते हैं लेकिन मिसकिनों से लोग दूर रहते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर भी माल की मोहब्बत और दुनिया की हृसु हवस आती है मिसकिनों से मोहब्बत होगी तो आदमी के अंदर मस्कनत आएगी फिर उनकी दिलदारी होगी और हदीस शरीफ़ में फरमाया गया है कि मिसकीन जन्नत में मालदारों से पहले दाखिल होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अल्लाह तबारक व ने मोमिन मसाकीन के पास बैठने और उनके उन, उनके करीब रहने का हुक्म दिया नफ्स का मदीना रब बिल गति वशी युरीदू वजह वला का अन हम तुरीदु जीनतल हयाति दुनिया ولا अलामन من फ़लबहू قلبه عن ذكرنا तबाह هواه وكان फुरू فرطا फरमाया अपने आप को रोको इस नब भी इशारा है कि तबीयत पर हो सकता है ये चीज़ शाक गुज़रे लेकिन फिर भी पाबंद करो वसबिर नफ्स का मीनादरूना रब्बाह बिल गदाति वलाशी उन फोकरा के साथ अपने आप को बिठाओ जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं उसका ज़िक्र करते हैं सुबह शाम उसकी रज़ा के तालिब हैं और उनसे अपनी नज़रें ना फेरो तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी की जेबज़ीनत चाहिए उस शख़्स की इतात ना करो जिसको हमने गाफिल कर दिया है और जिसका मामला हद से गुज़रा हुआ है दूसरी बात फरमाई जो इसके करीब ही है